तबीयत ठीक है सर। हाँ जी, कैसे हो? हेलो। आवाज आ रही है? एक्चुअली बीच बीच में कट जा रही है सर। हेलो। मैं भी पटना से बाहर हूँ, ठीक है? नेटवर्क का इशू है। हाँ सर। सर मेरे यहाँ भी स्थिति ठीक नहीं रही सर। अभी तो रिकवरी में हूँ। क्या तुमको हो गया था क्या? सर लक्षण को हम लोग तो वैक्सीनेटेड थे सर। लक्षण थोड़ा थोड़ा आया, माइल्ड ही कहिए, पूरे फैमिली को A to Z लोग अभी मतलब रिकवरी स्टेज पे हम लोग हैं सर। ज्यादा नहीं कुछ हुआ, सर्दी खांसी बुखार लूज मोशन थोड़ा थोड़ा सब कुछ। अच्छा, कॉलेज तो कॉलेज में नहीं है सर अभी आप? नहीं कॉलेज में नहीं है, बाहर है, मैंने गांव आए हुए। हाँ नहीं ठीक सर, बढ़िया किया सर। सुन रहे कॉलेज में रवि रंजन सर को भी हो गया था सर? उसका पूरा परिवार को हो गया, ठीक हो गया अभी। हाँ, कल बात हुई थी सर, अभी ठीक हो गया। और इस बार पता नहीं चल रहा है सर, जो भी जांच करा रहा है ना सब पॉजिटिव ही आ जा रहा है। तो हम लोग लक्षण दिखा सर तो चालू कर दिए दवाई। अब मोर और लेस सब ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ अभी सर करीब हम लोग 12-13 लोग हैं, सब कंबाइंड फैमिली है हम लोगों का। सारे लोगों को था, लेकिन अब धीरे धीरे सब रिकवरी स्टेज में आ गए। ज्यादा सबको माइल्ड था क्योंकि सबको वैक्सीन लगा हुआ था। अच्छा, चलिए खैर ठीक यहाँ का है बहुत फिर। बुरी स्थिति है सर हजारीबाग, लेकिन सब ठीक है। हाँ ठीक है, आज हम बात करेंगे, जैसे न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी एक टॉपिक है इसमें, इस कोर्स के अंदर। तो सर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन न्यूट्रिशन एंड इम्यूनिटी? इम्यूनिटी तो हम लोग सब जानते इम्यूनिटी ही हैं, और इम्यूनिटी यस अभी सर, काफी अभी तो सबसे इम्पोर्टेंट हो गया इम्पोर्टेंट है। है। सबसे इम्पोर्टेंट हो गया है, यस जिसका इम्यूनिटी अच्छा है, इम्यून पावर सिस्टम, इम्यून सिस्टम अच्छा है, उसको थोड़ा सा कम इफेक्ट है उसको। तो बहुत सारे फैक्टर्स डिपेंड करते हैं इम्यूनिटी को अफेक्ट करते हैं, ऐसा होना चाहिए उसका। खास करके प्रोटीन जो है काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है, बॉडी प्रोटीन, इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है इम्यूनिटी। तो यस जैसे इम्यूनिटी के बारे में सबसे पहले बात करेंगे, व्हाट इज इम्यूनिटी? इम्यूनिटी यस जैसे सर। इट इज अ रेजिस्टेंस ऑफ बॉडी अगेंस्ट एनी पैथोजन और एनी एक्सट्रेनेसियस फैक्टर्स लाइक डिजीज, एटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ केमिकल्स, डिजीज। या जिसमें सेलुलर इम्यूनिटी होता है और ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है, दो तरह के बेसिकली ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है यस। होते हैं। एंड इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इंसल्ट, व्हाट एवर कमिंग फ्रॉम द आउटसाइड। तो बेसिकली इम्यूनिटी को क्लासिफाई किया गया है एक नेचुरल इम्यूनिटी और एक एक्वायर्ड इम्यूनिटी। यस एक्वायर्ड और स्पेसिफिक, एक्वायर्ड स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलेंगे, ठीक है, और एक नेचुरल इम्यूनिटी यस। जो कि सिस्टम में अपने आप को सिस्टम जो है प्रोटेक्ट करता है नेचुरली। प्रोटेक्ट करता है जैसे कुछ बीमारियां हैं जो किसी स्पेसीज में नहीं होती है, ठीक है ना, क्योंकि यस। उसके अगेंस्ट में वहां पे इम्यूनिटी उसके अगेंस्ट में अवेलेबल है ऑलरेडी, नेचुरली प्रेजेंट। जैसे एग्जांपल बताते हैं, जनरली रिपोर्ट नहीं होता है एंथ्रैक्स चिकन के केस में, ठीक है ना, पोल्ट्री के केस में एंथ्रैक्स जनरली रिपोर्ट नहीं होता है, तो इसको हम बोलेंगे नेचुरल रेजिस्टेंस, नेचुरली प्रेजेंट, नेचुरल इम्यूनिटी हाँ, वो कभी अटैक नहीं करेगा। जैसे केनाइन डिस्टेम्पर जो है वो इसमें हॉर्स में, पिग में, कैट में, दे आर रेजिस्टेंट टू केनाइन डिस्टेम्पर, वही डॉग में खूब होता यस है, ठीक है, यस सर, बहुत ज्यादा। डॉग
डॉग भी जैसे रेजिस्टेंस है लिकोपिनिया, ठीक है सर, बट वो फेलाइन में होता है, फेलाइन स्पेसिस में होता है, केनाइन में नहीं होता। तो ये सब नेचुरल इम्यूनिटी। उसी तरह से हम अगर बात करते हैं बॉस इंडिकस का, जो जेबू कैटल देसी इंडियन ब्रीड जो है, यस सर, कैटल का वो जनरली रेजिस्टेंस है पायरोप्लाज्मोसिस, उसमें नहीं होता है पायरोप्लाज्मोसिस, बट वही आपको क्रॉस ब्रीड में होगा आप, या फिर फॉरेन जो बॉस टॉरस फॉरेन ब्रीड जो भी है, जर्सी हो, हॉलस्टीन हो, ठीक है। तो ये सब में ये प्रॉब्लम है पायरोप्लाज्मोसिस का, और वो सेम प्रॉब्लम कैटल का जो कि इंडियन ब्रीड रेजिस्टेंस है उसका। तो ये नेचुरल रेजिस्टेंस, इसी को बोलेंगे नेचुरल इम्यूनिटी। नेचुरल बैरियर जो बॉडी में प्रेजेंट है वो हम लोग सब जानते हैं, नेचुरल बैरियर क्या है, स्किन है, म्यूकस, दो बहुत इंपॉर्टेंट बैरियर जो कि प्रिवेंट करता है ऑर्गेनिज्म को इन्वेड करने से, सिस्टम इन्वेड करने से, ठीक है। सलाइवा भी हमारा एक बैरियर है, जैसे कोई मुंह में चला गया, कोई ऑर्गेनिज्म माउथ में जनरली डाइट के थ्रू जाता है माउथ में, तो सलाइवा एक बैरियर है। उस सलाइवा के बाद गैस्ट्रिक जूस वहां पे गया, जीआई ट्रैक में गया, इंटेस्टाइनल एंजाइम्स वहां पे प्रेजेंट है जो कि बैक्टीरिया को किल करता है। लाइसोजाइम का नाम सुने होंगे आप, जैसे लाइसोजाइम बैक्टीरियल सेल को लाइसिस लाइज कर देता है, ठीक है ना, और वो लाइसोजाइम प्रेजेंट होता है हमारे टीयर में, इसलिए उससे आंख को भी जो टीयर है वो एक बहुत ही अच्छा मतलब सोर्स है लाइसोजाइम का, जो कि आंसू आना चाहिए आदमी को, जो ड्राई नहीं होना चाहिए, आंख में टीयर होना चाहिए, ठीक है ना। तो वो जो है उसमें लाइसोजाइम होता है, तो बहुत सारे इन्फेक्शन को रोकता है। उसी तरह से नेजल डिस्चार्ज है, होना चाहिए एकदम ड्राई नहीं होना चाहिए नाक भी। उसी तरह से जीआई ट्रैक सिक्रीशन है, वो सारे बैक्टेरिसाइडल होते हैं और बैक्टीरिया को किल करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसोजाइम। उसी तरह से न्यूट्रोफिल जो है हमारा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स जो है, न्यूट्रोफिल इट आल्सो प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्रोटेक्ट द बॉडी, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए ना, एक जो लिमिटेड नंबर है न्यूट्रोफिल्स का वो होना चाहिए बॉडी में, और वो प्रोटेक्ट करता है बॉडी को, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि वो फैगोसाइटोसिस का काम, फैगोसाइटोसिस का हो सकता है। उसी तरह से माइक्रोफेजेज किल्स ऑर्गेनिज्म, माइक्रोफेज भी प्रेजेंट होता है ऑर्गेनिज्म थ्रू फैगोसाइटोसिस, नेचुरल एंटीबॉडीज विच एक्ट्स एंड विच हेल्प्स इन फैगोसाइटोसिस, बहुत तरह जैसे इंटरलीकिंस है, साइटोकाइंस है, ग्रोथ फैक्टर्स विच आल्सो स्टिमुलेट्स द इम्यून रिएक्शन एंड इन्फ्लेमेशन, बट ये सब लिमिटेड अमाउंट में जो बॉडी में अगर प्रेजेंट है तब दे protect the body, they provide better support against any infections. Yes, sir. अगर हम acquired immunity का बात करें, ये तो बात हुई natural immunity की, अगर acquired immunity की बात करें तो acquired immunity में antigen हम लोग जानते हैं, antigen जो है बहुत ही important है आजकल भी, एंटीबॉडी बनाता है, ठीक है ना, एंटीबॉडी के डेवलप करता है। तो एंटीजन क्या है, फॉरेन आइटम है, ठीक है ना, एक्वायर्ड इम्यूनिटी व्हिच डेवलप्स इनसाइड द बॉडी एज ए रिजल्ट ऑफ प्रायर स्टिमुलेशन थ्रू एंटीजन, एंटीजन, ठीक है, एंटीजन इज अ स्पेसिफिक, यस, कोई पार्टिकुलर एंटीजन, वो पर्टिकुलर एंटीजन का अगर अगेंस्ट व्हिच इट वाज डेवलप, वो स्पेसिफिक होता है, डेवलप, ठीक है ना, यस, इट कैन बी रीस्टिमुलेटेड ऑन सेकेंड टाइम और सबसीक्वेंट टाइम, जितने बार एक्सपोजर होगा वो रीस्टिमुलेट भी हो सकता है, ठीक है, और रीस्टिमुलेट होगा तो इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगा, ठीक है ना। इट डिफर्स फ्रॉम नेचुरल इम्यूनिटी and in respect of prior stimulation, specificity and memory, उसका क्या है, ठीक है ना,
प्रायर स्टिमुलेशन एंड स्पेसिफिक होता है स्पेसिफिसिटी एंड मेमोरी, ठीक है ना। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी दो तरह के होते हैं, ह्यूमरल इम्यूनिटी एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। यस सर, ह्यूमरल एंड सेल मेडिएटेड। ह्यूमरल इम्यूनिटी जो है, जो कि जनरली लिक्विड पार्ट जैसे ब्लड में प्रेजेंट होगा, ठीक है। और सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी सेल से एसोसिएटेड है, ठीक है, जो लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। जैसे ह्यूमरल, देखो यहाँ लिखा है ह्यूमरल इम्यूनिटी, द इम्यूनिटी प्रेजेंट इन फ्लूइड्स ऑफ द बॉडी मेनली इन ब्लड, यस, दैट इज ह्यूमरल इम्यूनिटी, एंड व्हिच प्रोटेक्ट्स द बॉडी फ्रॉम डिफरेंट डिजीजेस। इट इज स्पेसिफिक टू पार्टिकुलर एंटीजन, ठीक है। It produced as a result of antigen and antibodies which are produced against each antigen determinant specifically. Yes. Antigen क्या है, वही foreign substance है. Antigen, what is antigen? Antigen is a foreign substance which is able to stimulate the production of antibody. Antibodies in body. Antibody को के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, ये नहीं कि एंटीजन जो है एंटीबॉडी बनाता है। इट स्टिमुलेट्स द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी इन द बॉडी। यस सर। एंटीबॉडी का काम क्या है भाई? एंटीबॉडी रिस्पॉन्स टू एंटीजन, वो स्पेसिफिक एंटीजन के अगेंस्ट में रिस्पॉन्स करेगा, ठीक है। Yes. And which can be enhanced if the antigen is released slowly. Slow release होना चाहिए. Slow release होना चाहिए inside the body. Antibody like substance vials, waxes, alum, aluminium hydroxide, which can be added with the antigen, so it is released slowly in the body. So adjuvant जो है ना, adjuvant include देते हैं बॉडी में, डिफरेंट फॉर्म्स में एडजुवेंट्स होते हैं जो कि स्लो रिलीज ऑफ में काम आता है, ठीक है ना। एडजुवेंट्स yes, में sir. वो डिफरेंट केमिकल्स हो सकते हैं, एंड एंटीबॉडीज विच आर नोन एज इम्यूनोग्लोबिन बहुत तरह के होते हैं, जैसे आप जानते हैं IgG, IgA, yes, IgM, IgD and IgM, ये सब कॉमन है। They are, these immunoglobulins are glycoprotein in nature. Ab different immunoglobulins, jaise mainly IgG, main antibody which is found in high concentration, 75% hota hai serum, theek hai, IgG ka concentration. Yes, IgG. IgG 75% hota hai. And it produced by the plasma cell in the spleen, lymph nodes, and bone marrow. Immunoglobulin जो है generally plasma cell present होते हैं, जो कि spleen, lymph node and bone marrow में produce होता है. Produce. ठीक है. इसका structure आप देख सकते हो, अगर देख सकते हो तो. Yes. उसी तरह से IgM है, जो कि 7% टोटल सीरम इम्यूनोग्लोबिन का होता है, 7%। इट इज आल्सो प्रोड्यूस्ड इन प्लाज्मा सेल इन स्प्लीन, लिम्फ नोड एंड बोन मैरो, एंड इसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होता है, पेंटामीटर टाइप का होता है। पेंटामीटर टाइप का स्ट्रक्चर होता है, उससे डिफरेंट स्ट्रक्चर है। यस, उसी तरह से IgA है, it is secreted as dimer by plasma cell present under the body surface, intestinal cell, respiratory, urinary system, mammary gland, skin, बहुत सारे systems जो है वो produce करते हैं IgA। ये बहुत कम concentration में होता है blood में, very little concentration in blood. Yes. IgE present on the body surface and which is produced by the plasma cells located within the body surface, ठीक है ना।
it can be wound yes, with the receptors of mast cell and basophils. Basophils. इसका कुछ अलग स्ट्रक्चर है, डिफरेंट स्ट्रक्चर है. ये सब दोनों अलग है. So, immunomodulation क्या है? Immunomodulation is the manipulation of immune system. Immune system. Manipulation of immune system. Or augmentation or decrease the magnitude of immune responsiveness. ठीक है, क्यों करते हैं? सर जैसे सर जैसे वैक्सीन देते हैं तो ये एक तरह से इम्यूनोमॉड्यूलेशन ही है. हाँ, इम्यूनोमॉड्यूलेशन ही है. मैनिपुलेट करते हैं किसी पार्टिकुलर जो भी फॉरेन एजेंट है जो कि अटैक कर रहा है उसके अगेंस्ट में वो वर्क करेगा. ठीक है ना, वो एंटीबॉडी तैयार करेगा उसके अगेंस्ट में. स्पेसिफिक इम्यूनोमॉड्यूलेशन का एग्जांपल जैसे वैक्सीन है, स्पेसिफिक स्पेसिफिक पार्टिकुलर डिजीज के अगेंस्ट में वो काम करता है. ठीक है, तो स्पेसिफिक इम्यूनोमॉड्यूलेशन. नॉन स्पेसिफिक इम्यूनोमॉड्यूलेशन डिफरेंट एंटीजन प्रोड्यूस करता है. सर ये जो इम्यूनो स्टिमुलेशन या इम्यूनो पोटेंशिएशन है सर, ये मतलब इम्यून को बढ़ा देगा और ये इम्यून सप्रेशन है वो डिक्रीज भी कर सकता है उसके इम्यूनिटी को. तो ओवर यस ओवर एक्टिविटी और ओवर स्टिमुलेशन जो है ना इम्यून सिस्टम का, वो भी तो बहुत नुकसान करता है ना. उससे भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है. जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? रूमेटॉइड ओवर स्टिमुलेशन है. कोई प्रोटीन ज्यादा एक्सप्रेस हो गया बॉडी में. ठीक है ना, yes, तो ज्यादा एक्सप्रेस हो गया कोई प्रोटीन तो डिफरेंट डिजीज कॉज करेगा, तो वो भी प्रॉब्लम. उसका एक बेस्ट एग्जांपल है रूमेटॉइड आर्थराइटिस. रूमेटॉइड जो है ओवर एक्सप्रेशन है इम्यून सिस्टम का. yes, उसी से होता है, इसलिए वो जनरली ठीक नहीं होता मेडिसिन से. दवा रहेगा, सप्रेस रहेगा, मगर वो ठीक नहीं होगा कभी. तो इस तरह का प्रॉब्लम जो होता है ओवर स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून सिस्टम. वो बहुत ही कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है सब चीज को. नहीं तो ज्यादा एक्सप्रेस हो गया कोई पार्टिकुलर प्रोटीन तो वो बीमारी कॉज करेगा, वो भी नुकसान कर देगा और वो ठीक नहीं होगा, ये ध्यान रखें. वो दबा के हम उसको रख सकते हैं, सप्रेस करके रख सकते हैं, पर वो ठीक नहीं करें कर सकते क्योंकि वो विद इन सप्रेस करेंगे, वो सप्रेस नहीं होता है सर, कम करेंगे सर. जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है सर, तो उसको कम करने का फिर कोई उपाय नहीं होगा? कम तो होता है, उसके अगेंस्ट में मेडिसिन चलाते हैं तो कम होता है. वो दवा रहेगा, फिर दवाई छोड़ देंगे तो फिर हो जाएगा. ये है, उसको कंप्लीट कहेंगे कि हम कंप्लीट ठीक कर दिए, वो पॉसिबल नहीं है. एक बार प्रोटीन एक्सप्रेस हो गया, ओवर एक्सप्रेशन ऑफ प्रोटीन हो गया पर पर्टिकुलर प्रोटीन, तो फिर उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है. ठीक है, कंप्लीट क्योर नहीं होगा उसको. बहुत सारे तरह से हम उस प्रोटीन को डिप्रेस कर सकते हैं, मगर कंप्लीट उस नेचुरल पोजीशन में नहीं आएगा वो. ठीक है. Yes. उसी तरह से देखें जैसे इम्यूनो डिफिशियंसी है, डिक्रीज इफेक्टिवनेस ऑफ द इम्यून सिस्टम. इम्यूनो डिफिशियंसी होगी तो पुअरली डेवलप्ड इम्यूनो कॉम्पिटेंस, डिप्रेस्ड इम्यूनिटी. कैसे डिप्रेस करेगा? जेनेटिक प्रॉब्लम कम कॉज करेगा. बहुत सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर है जो कि इससे इम्यूनिटी को डिप्रेस करते हैं, पॉल्यूशन वगैरह खास करके, जो कि इम्यूनिटी को डिप्रेस करता है. किसी किसी में जेनेटिक फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है. किसी फैमिली में या फिर किसी एनिमल में खास करके बहुत ही कंप्रोमाइज इम्यूनिटी होता है. ठीक है ना, तो कंप्रोमाइज इम्यूनिटी होता है कुछ फैमिली में भी, जैसे ह्यूमन में भी पॉपुलेशन में भी बहुत पुअर इम्यूनिटी होता है पार्टिकुलर फैमिली में,
और वो मदर को होगा, फादर को होगा, उसके पेरेंट को होगा, उसके बच्चे को होगा, सब में उसी तरह से। तो जेनेटिक फैक्टर भी एक है और इन्वायरमेंटल फैक्टर तो है पॉल्यूशन खास करके। yes. कॉन्जेनाइटल इम्यूनोडिफिशियंसी का एग्जांपल आप यहाँ देख सकते हैं, कंबाइन इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम एक होता है, CIS, डिफेक्ट इन टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स में डिफेक्ट होना, पार्शियल टी एंड बी सेल्स डिफेक्ट होना, डिफिशियंसी ऑफ कॉम्प्लीमेंट्स होता है, डिफेक्ट इन फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस ठीक है ना, बहुत जो सेल्स हैं हमारे वाइट ब्लड सेल्स उसमें प्रॉब्लम आना, ठीक है। यस सर। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी में दैट द एनिमल कैन रिक्वायर एक्वायर्ड द एनिमल कैन एक्वायर द सप्रेशन ऑफ इम्यून सिस्टम लाइक ड्रग डिजीज डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, नियोप्लाज्म, नियोप्लाज्म भी बहुत कॉमन प्रॉब्लम है खास करके पेट में और कैट वगैरह में, कुछ कुछ स्पेसीज है जिसमें नियोप्लाज्मोसिस भी होता है, ह्यूमन में तो होता ही है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, तो ये सारे इम्यूनो डिफिशियंसी से प्रॉब्लम आते हैं। वैक्सीन फेल हो जाना, वैक्सीन भी फेल होता है ना कभी कभी। यस सर, यस सर। बहुत सारे स्पेसीज में पार्टिकुलर, ह्यूमन में भी बहुत सारे वैक्सीन काम नहीं करते, पार्टिकुलर में बात कर रहा हूँ, सभी में नहीं, इन जनरल नहीं, तो कभी कभी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडी डेवलप नहीं हो पाता। तो ये हाफ ऑफ दिस क्लास है, आगे कल और इसके बारे में और बताएंगे, क्लास और होगा इम्यूनिटी एंड न्यूट्रिशन का क्या रोल है, ठीक है ना। तो बेसिकली अभी ये जनरल इंफॉर्मेशन था, अभी न्यूट्रिशन इसमें इन्वॉल्व, कल जो बात करेंगे उसमें न्यूट्रिशन इन्वॉल्व होगा कि कैसे वो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है, ठीक है ना, और कौन कौन से एलिमेंट है, कौन कौन से सब्सटेंस है जो कि इम्प्रूव करता है इम्यूनिटी में, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। यस सर, कल वाले क्लास में बात करूंगा, ठीक। यस सर, यस।